चलिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम अपनी एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि टैक्स के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में ज़्यादा बताऊंगा। तो ये वीडियो टैक्स के बारे में है। सबसे पहले हम अपनी वेब पेज स्टार्ट करने के लिए लिखेंगे HTML। लिखने के बाद हम हेड टैग का इस्तेमाल करेंगे। हेड टैग का मतलब है जो भी चीज हम हेड टैग में लिखेंगे वो वेबसाइट के हेड में आ जाएगी, हम अभी से चल के इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हम चीज सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसे HTML मैंने लिखा है, तो ये जितना भी कोड होगा वो सब HTML में ही आएगा। तो हम HTML को सबसे एंड में क्लोज करेंगे, और हेड में मुझे जो जो चीजें रखनी है वो चीज रखने के बाद मैं हेड को क्लोज कर दूंगा। तो हेड में मुझे रखना है जैसे कि टाइटल, तो मैं रखूंगा TITLE टाइटल, जो कि एक कोड है टाइटल लिखने का। टाइटल लिखने के बाद मैं लिखूंगा माई वेब पेज, और टाइटल बंद कर दूंगा, मतलब जो ये निशान है फॉरवर्ड स्लैश, ये जो इसे डालने के बाद आप अपने कीबोर्ड पे ढूंढ सकते हैं, इसे शिफ्ट दबा के क्वेश्चन मार्क दबाएंगे तो आपको ये निशान, आप बिना शिफ्ट दबाए अपने कीबोर्ड पे दबाएंगे तो आपको ये निशान दिख जाएगा, आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है, सॉरी। तो उसके बाद टाइटल को हम क्लोज करेंगे TITLE। उसके बाद हम जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही बंद कर देंगे। हमने टाइटल यहाँ पे इसलिए बंद किया है क्योंकि अब हमें और टाइटल नहीं देना है, अब टाइटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब हम अपना हेड क्लोज कर देंगे, हमें हेड में इतनी ही चीजें देनी थी, और उसके बाद हम अपना HTML भी क्लोज कर देंगे, HTML, और इस पेज को हम सेव करेंगे। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, आप जहाँ चाहें वहां सेव कर सकते हैं। इसे लिखेंगे माई वेब पेज .htm या .html, जो भी आप लिखना चाहें, ये सेव कर देंगे। इसे सेव करने के बाद तो हमें ऐसी चीज दिखाई देगी, हमें पता है हम ये सर्वर पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, हम अपनी लास्ट वीडियो में ये सीख चुके हैं। डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट का जो टाइटल है वो यहाँ पे आ रहा है। आप कॉर्नर स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पे आपको माय वेब पेज लिखा हुआ दिखाई देगा। इतना करने के बाद हम समझ चुके हैं कि एक टैग का क्या काम है। उसके बाद हम और टैग समझेंगे। जब मैं मान लो मैं HTML का अपना वेब पेज नहीं बंद करना चाहता, यहाँ पे एक पैराग्राफ भी देना चाहता हूँ, तो हम P का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि जो इस एरो का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी टैग के लिए, और यहाँ से वो टैग हम बताते हैं कि हम ये टैग ले रहे हैं, फिर इस वाली एरो का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसको करने के बाद हम अपने पैराग्राफ में जो लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज राहुल शर्मा, तो मैं इसे बंद कर दूंगा और हम इसे सेव कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ, आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबा के सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपना वेब पेज दोबारा खोलूंगा तो मुझे दिखेगा कि माई नेम इज राहुल शर्मा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो राहुल शर्मा है ये नीचे आए, तो मैं क्या करूंगा, ये निशान डालूंगा जहां से टैग का हम डालते हैं जैसे ही, फिर मैं स्लैश डाल के br डालूंगा, और फिर जैसे कि हम नॉर्मल करते हैं एक टैग को बंद कर देते हैं। क्या br टैग खुलता भी है? नहीं, br टैग ओपन नहीं होता, सिर्फ क्लोज होता है, क्योंकि हम बीच में एक ब्रेक दे रहे हैं तो हम इस ऐसे टैग का यूज करते हैं। कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव कर रहा हूँ, आप फाइल पे जाके सेव कर सकते हैं। अब मैं इसे ओपन करूंगा और मैं देखूंगा कि राहुल शर्मा नीचे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि, तो कोई बात नहीं, मैंने वो क्लोज कर दिया, मैं इसे ओपन करूंगा। यहाँ पे
क्लिक करके, राइट क्लिक करके ओपन विथ नोट पैड, या फिर और कोई टेक्स्ट एडिटर जो आपके पास हो आप उसके साथ भी ओपन कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो राहुल है ये बोल्ड में आए, तो मैं जैसे कि हम कोई भी टैग ओपन करते हैं वैसे ही टैग ओपन करूंगा। बी बी का मतलब है बोल्ड, तो फिर मैं बी को बंद कर दूंगा जैसे कि हम बंद करते हैं इन साइन अप के द्वारा। आपने कीबोर्ड पे इन्हें ढूंढ सकते हैं, शिफ्ट दबा के हैं कुछ साइन, कुछ साइन बिना शिफ्ट दबाए हैं। अब ध्यान से इनका इस्तेमाल कीजिए। फिर मैं इसे सेव कर दूंगा और मैं दोबारा अपना वेब पेज ओपन करूंगा, तो राहुल मेरा यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं राहुल बोल्ड में आ चुका है। अब मैं तो हम और भी टैग का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जैसे कि हम अब कितने टैग सीख चुके हैं, हम H1 का इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे नाम से पहले कोई पैराग्राफ की कोई हेडिंग होनी चाहिए, तो मैं H1 लिखूंगा। H1 मेरी हेडिंग है अबाउट माई सेल्फ। मैं इसे बंद कर दूंगा H1 को, फिर H2 ओपन करूंगा, यहाँ लिख दूंगा दिस इज माय नेम, और फिर H2 को भी बंद कर दिया जाएगा। मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं अपना ब्राउजर ओपन करके देखूंगा, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट हेडिंग H1, ये सेकंड ये H2। तो हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं और अब हम PR का भी इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाहता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब एक हम एक लाइन देना चाहते हैं जो वेब पेज पे मेरे नाम के नीचे आए, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल टैग का इस्तेमाल करूँगा, /HR और से सेव कर दूंगा। और मैं देखूंगा अपना वेब पेज खोल के दोबारा, तो हमें दिख रहा है कि कोई लाइन नहीं आई है क्योंकि मैंने गलत टैग का इस्तेमाल किया था। तो जो सही टैग है वो है HR स्पेस देके अब हम स्लैश का यूज करेंगे और अपने वेब पेज को सेव कर देंगे। और अब हम अपना वेब पेज खोलेंगे तो हमें लाइन दिखाई देगी और आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। और अब हम और टैग्स का इस्तेमाल करना सीख शुरू करेंगे। HR हम UL का इस्तेमाल करेंगे लिस्ट देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ लेकिन लिस्ट में बताऊँ, तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा और LI लिखूंगा जिसका मतलब है मैं UL लिखूंगा जिसका मतलब है मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ। UL का मतलब UL को क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मैं UL में और भी बातें लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा LI I am 20 years old, जैसे कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ I am 20 years old। अब मैं LI को बंद कर दूंगा क्योंकि मैं एक बात बता चुका हूँ और एक बात मेरी कंप्लीट हो चुकी है जो कि लिस्ट में आए, और दूसरी बात मैं बताऊंगा LI I अपलोड वीडियो टू YouTube, और भी बहुत सारी बातें जो आप जो भी लिखना चाहें वो लिस्ट में आ जाएंगी। फिर हम लिस्ट को दोबारा क्लोज करेंगे और हम फिर इसे सेव कर देंगे Ctrl+S से, और फिर हम अपना वेब पेज ओपन करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो हमने देखा कि मैं अपने बारे में दो बातें बता चुका हूँ वो लिस्ट में आई हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कुछ टैग्स सीखे और एक टैग और सीखेंगे। हम जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो I upload को मैं स्मॉल करना चाहता हूँ कि अपलोड स्मॉल में दिखाई दे, तो SMALL small
हम ओपन करेंगे, जैसे कि हम कोई भी टैग ओपन करते हैं, सिर्फ मैं अपलोड को ही स्मॉल करना चाहता हूँ, तो अब स्मॉल को हम बंद कर देंगे और फिर हम इसे सेव कर देंगे कंट्रोल एस से, या फाइल में जाके अब हम देखेंगे कि जो अपलोड है वो स्मॉल हो चुका है। ये देखिए अपलोड जो है कि और चीजों से स्मॉल हो चुका है, और हम अभी इतने टैग्स का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, अब हम एक टैग का इस्तेमाल करना और सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो ये वीडियो है वो इम्फेसिस हो, मतलब इस पे जो जब कोई देखे तो वीडियो पे उसका ज्यादा नजर जाए, तो हम ईएम का इस्तेमाल करते हैं इम्फेसिस देने के लिए। तो स्लैश ईएम से हमने वीडियो, जहाँ से हमें इम्फेसिस देना था, मुझे वीडियो में इम्फेसिस देना था, तो मैं वीडियो के आगे ईएम लगाया। अब मुझे सिर्फ वीडियो को ही इम्फेसिस में रखना है, तो मैं ईएम को यहाँ पे बंद कर दूंगा, यहाँ पे स्लैश ईएम दबा के बंद किया हमने। जैसे कि हम कोई भी टैग बंद करते हैं, हमने सेव किया कंट्रोल एस से या फिर फाइल में जाके, और फिर हम अपना वेब पेज खोलेंगे, तो हम देखेंगे कि वीडियो को हमारा इम्फेसिस मिल चुका है। और हम बहुत टैग्स का इस्तेमाल करना इस वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल पे जाना हो, जो आप जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आप वीडियो देखते रहें। जैसे कि मैं किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब को मैं सब्सक्राइब Hi कर लेता हूँ। guys, thank you so much for tuning. और आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत काम की चीजें जरूर मिल जाएंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, आगे बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।